अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, विच इज़ कॉल्ड परसेंटेज। ठीक है, मैंने क्यों लिखा हुआ है हर समस्या का समाधान, क्योंकि परसेंटेज इज़ द ओनली चैप्टर जिसका एप्लीकेशन आपको अदर चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। पूरी एलजेब्रा में आपको परसेंटेज देखने को मिलेगी। यू नेम एनी ऑफ द चैप्टर, चाहे आप रेशियो का नाम ले लो, चाहे आप एवरेज का नाम ले लो, चाहे आप आगे प्रॉफिट एंड लॉस बोलो, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोलो, सभी में, चाहे आप मेंसुरेशन बोलो, स्टैटिस्टिक्स बोलो, प्रोबेबिलिटी बोलो, कोई चैप्टर है जिसमें परसेंटेज का आपने यूसेज ना देखा हो? तभी इसके लिए हमने लिखा हुआ है हर समस्या का समाधान, ओके, अ सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, ओके, क्योंकि इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हर चैप्टर में वो बहुत है। ठीक है, तो एक एक दिन एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर बात करूंगा और फिर कुछ तीन चार बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे और उसके साथ पूरे परसेंटेज को वाइंड अप करेंगे। मुझे मालूम है कि आपके बहुत सारे मिथ भी हैं परसेंटेज को रिलेटेड, ओके, बहुत सारी गलत फहमियाँ भी हैं परसेंटेज को रिलेटेड, वो सारी गलत फहमियों को मैं दूर करूंगा और साथ ही साथ कुछ ऐसे फॉर्मूलेज सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप बहुत आराम से परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। और एक पॉजिटिव अप्रोच के ऊपर बात करूंगा मैं, और उस अप्रोच को आप सारे ही चैप्टर्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह सेशन को शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करूंगा। मुझे ना सबसे पहले ये बता दो कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज क्या है, परसेंटेज आप कह सकते हो सर परसेंटेज इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी क्वांटिटी। परसेंटेज एक रिप्रेजेंटेशन ही तो है किसी क्वांटिटी की। जैसे मेरे पास अगर बाय द वे 15 स्टूडेंट्स हैं, मैं कहूँगा आउट ऑफ 15 मेरे 3 स्टूडेंट्स क्या हैं, आरएमसी क्वालिफाइड है। आउट ऑफ 15 3 स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द एग्जाम सपोज। तो ये क्या है, ये भी एक क्या है, ये भी एक तरीका है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का। आउट ऑफ टोटल कितने मेरे बच्चे हैं जो एग्जाम में क्वालिफाई किए हैं, दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज, इसको फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। इसी रिप्रेजेंटेशन को हम चाहें तो परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, अगर मैं 3/15 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 100 से मल्टीप्लाई करते ही याद रखना कि आगे परसेंटेज का साइन लग जाएगा, ओके। और व्हेन यू विल सिंप्लीफाई इट, इट्स गोइंग टू बी 3 5 5 20। इसका मतलब आप अगर ऐसा कहेंगे कि आउट ऑफ 15 स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, तब भी समझ में आएगी वही बात। या अगर आप ऐसा कहेंगे सर 15 स्टूडेंट्स में से 20% आर सिलेक्टेड, तो तब भी आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि एक ही बात कह रहा हूँ, बस रिप्रेजेंटेशन अलग अलग बोला है मैंने। ठीक है, कभी कभी यू गॉट मार्क्स ना, आपके मार्क्स आते हैं सर 40 में से मेरे सर 25 मार्क्स आए, सर 40 में से मेरे 25 मार्क्स आए। तो ये क्या है, ये फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा अंडा मिलता था ना बचपन में आपको, हर टेस्ट में, हर टेस्ट में ऐसा अंडा मिला, ये क्या है, ये एक फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन है। और इसी फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो इट्स गोइंग टू बी परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन, आगे परसेंटेज का साइन लग जाएगा। एंड व्हेन यू विल सिंप्लीफाई इट, ओके, अगर आप इसको 5 से काटोगे, 5 8 टाइम्स, या चलो 4 से ही काट लेते हैं, बच्चे बोल रहे हैं 4 से काट देते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, 4 10 टाइम्स 4 25। तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगा 10 को। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी डेसिमल फ्रैक्शन देखने को मिलता है, डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर 10 या 10 की पावर में हो, तो वो मेरे लिए बड़ा ईजी है उसको डेसिमल्स में लिखना। क्यों ईजी है, क्योंकि यहां पर अगर मैं 25 × 25 करूंगा, आई विल गेट 625, और 625/10 होगा तो मुझे पता है, हाँ वेरी गुड, सो इट्स गोइंग टू बी 62.5%, ओके। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो इट बिकम्स परसेंटेज, एंड वाइसी वर्सा। जैसे 20% है, जैसे 20% है, 20% को अगर मुझे फिर से फ्रैक्शन में चेंज करना है, सो आई विल डिवाइड इट बाई 100, ओके, एंड आई विल गेट 1/5, 20 ones and 20 5s। तो जैसे किसी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन बनाना चाहोगे, यू विल डिवाइड इट बाय 100 और परसेंटेज का साइन हट जाएगा और उसकी फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, ओके।
तो ये तो बहुत इजी है। हम लोग क्या सीखे इन अ नटशेल, हम ये सीखे कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को, अगर किसी भी फ्रैक्शन को हमें हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो वी विल जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, ये हमने सीखा। या वाइसी वर्से का मतलब है, अगर हम किसी भी परसेंटेज को, अगर हमें, वेरी गुड, अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो वी विल जस्ट डिवाइडेड बाय 100, हम उसको 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों ने, साइन का ध्यान रखना कि व्हेन यू विल मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज का साइन आ जाएगा, एंड व्हेन यू विल डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज का साइन हट जाएगा। ओके, दिस मच इज क्लियर, वेरी इजी। ओके, और अच्छा कुछ आपको ना परसेंटेज या फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन याद भी होने चाहिए। जैसे सपोज अगर मैं बोलूंगा 1/2, 1/2 को अगर आप चेंज करोगे इट्स गोइंग टू बी 50%, ठीक है। अगर मैं बोलूं 1/3, वेरी गुड, 1/3 इंटू 100 करोगे तो इट्स गोइंग टू बी 100/3%, दैट इज गोइंग टू बी 33 1/3%। ओके, 33 1/3% आप उसे बोल सकते हो। तो ऐसा कुछ याद भी होना चाहिए आपको। अगर मैं बोलूंगा 1/4, 25%, ये इसलिए लिखाता हूं ताकि कभी कभी एग्जाम में आप जल्दी सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम कंज्यूम ना करें, यू शुड नो सम रिजल्ट्स। और ये सारे आसान है, इनको रटना नहीं है। ओके, डोंट मग अप दिस रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स जब आप खुद सिंप्लीफाई करेंगे और खुद जब आप इनको यूज करेंगे एग्जाम्स में या क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, तो कहीं ना कहीं ये रिजल्ट्स आपके ध्यान में रहेंगे, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू मग अप। और मैथ्स में कोई याद करने वाली चीज होती नहीं है। उसी तरीके से 1/5 कितना आ जाएगा, 20%। इसी तरह 1/6 आप करोगे तो इट्स गोइंग टू गिव यू 100/6, 50/6, एंड दैट इज गोइंग टू बी 16 2/3%। ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर मैं बोलूंगा 1/8, तो ये आपको देगा, देखिए इट्स गोइंग टू गिव यू 100/8%। उसको अगर आप 4 से करोगे तो 25/2, सो 12 1/2%। ओके, और अगर मैं आपसे बोलूं 1/9 इज इक्वल टू, सो इट्स गोइंग टू गिव यू, देखो ये हो जाएगा 100/9, कैंसिल नहीं होगा, सो 11 9 जा, सो 11 1/9%, 1/9। तो कभी कभी क्या है ना, कभी कभी अगर अब यहाँ पर आप ना थोड़ा सा यूनिटरी मेथड का भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है कि 1/9 इज इक्वल टू 11 1/9%, ओके, तो 3/9 कितना होगा, कितना परसेंट होगा आपको, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 33, आई थिंक 3/9%, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 33 1/3% हो जाएगा। ओके, 3/9 कितना आ गया, 1/3 के इक्वलेंटी आ गया। तो यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं इफ यू नो वन रिजल्ट, अगर आपको 1/9 मालूम है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलता कि 7/9 कितना हो जाएगा, 7/9 इज गोइंग टू बी 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 77 7/9%। ओके, दैट्स वाई दिस रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट। इन रिजल्ट्स की यूज करते हुए आप किसी का भी फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन या परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन आराम से निकाल सकते हैं। हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए जस्ट डिवाइडेड बाय 100। ये कुछ रिजल्ट्स हैं आपके सामने। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं 1/10 तो कितना जाएगा, 10%। ओके, 1/7 अगर मैं बोलूं 1/7 कितना होगा, सो इट्स गोइंग टू बी 100/7, 100/7%। और इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं कितना होगा, 14 2/7%। ओके, सो 7 4 28 2 98 ना, यस 14 2/7%। तो अगर आपको ये कुछ रिजल्ट्स अगर आपको ध्यान में है, तो इन रिजल्ट्स की हेल्प से आप फर्दर फ्रैक्शन का परसेंटेज इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3/7% इज इक्वल टू, आपने कुछ नहीं करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। ओके, तो सबसे पहले तो ये एक चीज आपको मालूम होना चाहिए। ओके, अब व्हाट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, अब क्या होता है ना, कभी कभी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करते, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सपोज अगर मेरी पॉकेट मनी 100 रुपीज है, अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं, ये दूसरा कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर बच्चों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है, और ये जो क्लास मैं आपको परसेंटेज की पढ़ा रहा हूं,
ऐसी क्लास आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। और अगर इस क्लास में आपको परसेंटेज समझ में आ गया तो लाइफ टाइम आपको कभी भी परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अच्छा यहां पर देखना, सपोज इफ माई पॉकेट मनी इज 100 रुपीज, ओके, और मेरी पॉकेट मनी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है सपोज बाई 20 रुपीज, तो 20 रुपीज इंक्रीज होकर मेरी पॉकेट मनी कितनी हो जाएगी, 120 रुपीज, ओके। दिस इज वन ऑफ द केस। यहां पर क्या हो रहा है कि मेरी पॉकेट मनी इंक्रीज हो रही है 100 से 120 हो रही है, ओके okay? अच्छा इन द सेम वे मेरी पॉकेट मनी थी 120 रुपीज, ये दूसरा केस है। सपोज कोई दूसरा इंसान है जिसकी पॉकेट मनी 120 रुपीज थी और इसकी पॉकेट मनी डिक्रीज होकर 120 से कितनी हो रही है, 100 रुपीज हो रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, बेसिकली हम देख रहे हैं कि एक जगह किसी की पॉकेट मनी इंक्रीज हो रही है। अच्छा क्यों मैंने 100 को ऐसे गोला मारा और क्यों मैंने वहां पर 120 को ऐसा गोला मारा है, हाँ, बिकॉज दे आर ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिनल वैल्यूज। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब है, ध्यान से देखना, ऐसा फॉर्मूला आपको बुक्स में भी मिलेगा मगर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो इनिशियल वैल्यू है आपकी वही तो ओरिजिनल होगी ना। जैसा मैं अभी हूँ वही तो ओरिजिनल हूँ, उसके बाद मैं कुछ मेकअप कर लूँ, अपने आप को इन्हांस कर लूँ, ठीक है, तो वो तो ओरिजिनल नहीं है ना, लेकिन जो मैं अभी हूँ वो मेरी ओरिजिनल वैल्यू है। तो मेरी जो पॉकेट मनी थी वो 100 रुपीज थी अभी, और इंक्रीज होने के बाद 120 हुई है, तो जो अभी की वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू है। इस केस में क्या है, ये मत सोचना कि नीचे की वैल्यू ही ओरिजिनल होती है। इस केस में क्या है, अभी मेरी कितनी वैल्यू है, या अभी मेरी पॉकेट मनी इज 120 रुपीज, तो मेरी अभी प्रेजेंटली 120 है, फिर डिक्रीज होके ट्रांसफॉर्म होके चेंज हो रही है 100, तो दैट्स व्हाई 120 इज द ओरिजिनल वैल्यू इन दिस केस, और यहां पर 100 रुपीज इज द ओरिजिनल वैल्यू। अब होता क्या है, मैं अभी आप लोगों से पूछूंगा, अभी होता क्या है, आप जरूर कॉमेंट में लिख के बताइएगा, अगर बाय द वे वैल्यू मेरी इंक्रीज हो रही है तो कितनी इंक्रीज हो रही है, व्हाट इज दैट इंक्रीज वैल्यू, 20, ठीक है, कितने रुपीज इंक्रीज हो रहा है, 20 रुपीज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, दिस इज द इंक्रीज वैल्यू। इन द सेम वे यहां पर अगर मैं डिक्रीज की बात करूं, व्हाट इज गोइंग टू बी द डिक्रीज वैल्यू, अगेन 20 रुपीज। तो दोनों में जो वैल्यू है वो सेम है, मतलब यहां पर जो इंक्रीजिंग वैल्यू है, वैल्यू जो इंक्रीज हो रही है दैट इज 20, यहां पर जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है दैट इज अगेन 20, ओके, तो वैल्यू इज सेम इन बोथ द केसेस। लेकिन अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, अब यहीं पर आपका वो मिथ दूर होगा, ठीक है, अगर मैं किसी भी सपोज मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर अगर मैं आपसे परसेंटेज में पूछूं तो कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, क्या लगता है आपको, एनी आंसर बेटा, यू कैन गिव एनी आंसर, यस 20%, तो बच्चों को लग रहा है कि यहां पर वैल्यू 20% इंक्रीज हो रही है। अच्छा इन द सेम वे अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर वैल्यू कितनी डिक्रीज, कितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, हाँ, तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर 20% डिक्रीज हो रही होगी वैल्यू। सो दिस इज द ओनली मिथ। अब आपको समझ में आएगा कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखना, अब यहां पर क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ध्यान रखना, तो मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, इंक्रीज या इंक्रीजिंग परसेंटेज, ओके, जब भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो अगर हमें उसका परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम वो उसकी वैल्यू लिखेंगे, दैट इज नथिंग बट इंक्रीज वैल्यू। हमेशा याद रखना, जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो न्यूमरेटर में हमेशा वो वैल्यू होती है हमारी, ठीक है, जिसका हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। जैसे कि एग्जाम में हमें 80 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 100, तो ये 80 मार्क्स हमारे मार्क्स है ना, हमारी वो वैल्यू है, और इसको बाद में जब हम इसको इंटू 100 करेंगे तब ये परसेंटेज में चेंज होगा। उसी तरीके से सम फ्रैक्शन इंटू 100 इज परसेंटेज, तो यहाँ पर भी कुछ परसेंटेज निकालने के लिए कुछ फ्रैक्शन आएगा, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, जिसका परसेंटेज निकाल रहे हो उसकी वैल्यू अपॉन, हमेशा याद रखना बेटा, वैसे तो डिनोमिनेटर में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आती है, ओके, यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ कि इट इज नथिंग बट द ओरिजिनल वैल्यू, ओके, और इस केस में भी ये जो ऊपर वाली है ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूँ ताकि आपको ये फॉर्मूला लंबे समय तक मेमोराइज रहे, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी वैल्यू इंक्रीज हो इन द न्यूमरेटर, आप डिनोमिनेटर में लिखो स्मॉलर वैल्यू, क्या लिखोगे आप, स्मॉलर वैल्यू, ये एक फ्रैक्शन आ गया, इसी को मैं इंटू 100 करूंगा तो मेरा परसेंटेज बन जाएगा। अभी आई विल नॉट कैलकुलेट, अभी मैं इसी तरीके से आपको डिक्रीजिंग परसेंटेज का भी एक फॉर्मूला डिराइव करके दिखाना चाहता हूं इसी के बेसिस पे। फिर से अगर मैं डिक्रीजिंग परसेंटेज निकाल रहा हूं, मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वैल्यू तो मुझे पता है 20 डिक्रीज हो रही है, लेकिन अगर मुझसे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पूछा जाएगा तो मैं डिक्रीजिंग परसेंटेज निकालूंगा। अगेन क्योंकि मुझे डिक्रीजिंग परसेंटेज निकालना है तो पहले मुझे वैल्यू लिखनी पड़ेगी, क्या लिखूंगा मैं, डिक्रीज वैल्यू, और सेम इसी कॉन्सेप्ट के साथ क्योंकि यहां पर वैल्यू इंक्रीज हो रही थी तो मैंने ली नीचे स्मॉलर वैल्यू, अब यहां क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो मैं नीचे लूंगा
लार्जर वैल्यू, मैंने नीचे ले लिया लार्जर वैल्यू, और ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, इनटू 100. सो वी हैव गॉट दिस टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमारे पास ये दो हैं. ठीक है, इसमें जो ये स्मॉलर और लार्जर है यू विल नॉट फाइंड इन एनी ऑफ द बुक, ये मैंने खुद से ड्राइव किया है बच्चों के लिए ताकि बच्चों को ये याद रहे. अदरवाइज ये जो डिनोमिनेटर में आते हैं वो हमेशा क्या आती है, ओरिजिनल वैल्यू. और जो बच्चों ने इसको भी 20% बताया है और इसको भी 20%, बच्चे बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर 20% इंक्रीज होगा, और बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ पर 20% डिक्रीज होगा. इसी मिथ को दूर करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पूरा खेल है वो ओरिजिनल वैल्यू का है. अब क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू 100 है, और 100 तो परसेंटेज में इतनी प्यारी वैल्यू है, क्योंकि 100 का आप जितना परसेंटेज निकालोगे उसकी वैल्यू उतनी आएगी. सपोज अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 100 का 20% कितना होगा, आप कहोगे सर 20. मैं कहूँगा 100 का 30% कितना होगा, आप कहोगे 30. मैं कहूँगा 100 का 40%, 100 का 50%, 100 का 17%, 100 का 77%. अगर मैं आपसे बोलूँ 100 का 33.33%, तो आप बोलोगे सर इट्स गोइंग टू बी 33.33 ओनली. तो 100 का केस में तो जितना भी आप परसेंटेज निकालोगे उतनी ही उसकी वैल्यू आ जाएगी, जो परसेंटेज होगा उतनी ही इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 100 का तो रूल ही इतना ईजी है, क्योंकि परसेंट का मतलब भी इट इज इक्विवेलेंट टू 100% ओनली ना. अभी इसके बारे में भी हम बात करेंगे, कोई भी कंप्लीट परसेंटेज इज 100 होता है, 100%. ओके, और यहाँ पर वैल्यू और परसेंटेज सेम है, तो जितने भी आप, अगर यहाँ पर 20 रुपीज़ बढ़ रही है तो यहाँ पर जो आपने 20% बोला है वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर बेटा वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू 120 है. अच्छा, बट इज 10% ऑफ 120, नाउ इट्स नॉट 10. 10% का मतलब है वो हो जाएगा 12. अगर मैं बोलूँगा वट इज 30%, तो आप बोलोगे ठीक है सर 12 3 36 हो जाएगा. अगर मैं बोलूँगा वट इज 25%, तो आपके थोड़े होश उड़ेंगे, आप बोलोगे सर थोड़ा कैलकुलेशन करने दो ना. अगर मैं आपको बोलूँगा वट इज 33% ऑफ 120, सर अब तो मुझे थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. और अगर मैंने आपसे बोल दिया व्हाट इज 33.33%, ओह सर अब तो मुझे थोड़ा सा पेन पेपर यूज करना पड़ेगा. तो यहां पर बिकॉज द ओरिजिनल वैल्यू इज 120, क्योंकि यहां पर ओरिजिनल वैल्यू 120 है, तो यहां पर आप मुंह नहीं फाड़ सकते जैसे आपने यहां मुंह फाड़ा. मुंह फाड़ने का मतलब क्या है, क्योंकि यहां पर द ओरिजिनल वैल्यू इज 100, तो जितनी वैल्यू बढ़ रही थी उतना ही परसेंटेज आएगा. सॉल्व करके देख लेते हैं. इंक्रीजिंग परसेंटेज इज इक्वल टू इंक्रीज्ड वैल्यू, इंक्रीज्ड वैल्यू इज 20 अपॉन स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू ही ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू का ही कमाल है. अब क्योंकि यहां पर ओरिजिनल वैल्यू 100 आ गई डिनोमिनेटर में, इंटू 100 करूंगा तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 100 से 100 कैंसिल, यू विल गेट 20%. तो यहां पर तो आप लोग बिल्कुल सही थे कि सर 20% वैल्यू बढ़ रही है तो 20% आएगा. लेकिन यहां पर देखो, अब आप यहां पर क्या है, डिक्रीजिंग परसेंटेज इज इक्वल टू डिक्रीज्ड वैल्यू इज अगेन 20, बट यहां पर द लार्जर वैल्यू इज नॉट 100 और द ओरिजिनल वैल्यू इज नॉट 100, इट्स 120. इनटू 100 करोगे तो ये आ जाएगा 20, 6 टाइम्स 250 23, इट्स गोइंग टू बी 50/3%. मिक्स फ्रैक्शन में निकालोगे इट्स गोइंग टू बी 16 2/3%, विच इज नॉट 20%, इट इज लेस देन 20%. समझ रहे हो, ये तो वही बात हो गई कि अगर मैं अभी 100 वैल्यू में हूं और मुझे 20% आगे जाना है तो मैं 120 में पहुंच जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे 120 से 20% पीछे आना है तो मैं 100 में नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि अब मेरी ओरिजिनल वैल्यू 120 है और 120 का 20% होता है 24, तो मुझे अब 24 पीछे आना पड़ेगा. 24 पीछे आऊंगा तो मैं 96 में पहुंच जाऊंगा. तो अगर यहां पर 120 और यहां पर 96 लिखा होता, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप 100 से 20% ऊपर जाओगे तो 120 में पहुंचोगे, लेकिन अगर आप 120 से 20% नीचे आओगे तो आप 100 में नहीं पहुंचोगे, आप 96 में पहुंचोगे, क्योंकि 120 का 20% इज 24. ओके, सो दिस टू फॉर्मुलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा. यहां से आपका एक मिथ दूर हुआ होगा कि परसेंटेज इज नॉट बाई डायरेक्शनल, मतलब परसेंटेज को आप ये मत सोचना कि बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, अगर उतनी वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है तो उतनी ही परसेंटेज वाली वैल्यू में डिक्रीज होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ओके, तो प्लीज कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास फॉर्मूलेज भी हैं, इंक्रीजिंग परसेंटेज और डिक्रीजिंग परसेंटेज, दो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आए आपके पास. तीसरा कॉन्सेप्ट, थर्ड एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट जो परसेंटेज का है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इसको मैं कहता हूं पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज. ये प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल, मतलब कहीं भी परसेंटेज, इवन टाइम एंड वर्क में यू विल फाइंड ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी. ठीक है, ए वर्क्स फॉर सो एंड सो आवर्स,
तो ये टाइम इन वर्क में भी यू विल फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज. ओके, तो यहां पर पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज की हम बात कर लेते हैं. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज. ये क्या है? दिस ऑल्सो यू विल नॉट फाइंड इन एनी ऑफ द बुक. ये भी कहीं ना कहीं मैंने खुद बच्चों के लिए ड्राइव किया है, क्योंकि यहां से बहुत सारी आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं. ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे क्या कहना चाहूंगा, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हर चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है. मैं हर चीज को 100% मानता हूं. अगर किसी 100% पे आपको 20% इंक्रीमेंट करना है, तो आप डायरेक्टली उसका 120% निकाल लो. मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हर चीज अपने आप में 100% है, तो अगर 20% मुझे बढ़ाना हो, मोर करना हो, 20% मोर हो, चाहे 20% इंक्रीज करना हो, चाहे 20% एफिशिएंट हो, चाहे 20% लार्ज हो, कुछ भी हो, तो आप डायरेक्टली कितना लोगे उसका 120%. 100 से कंपैरिजन करो. ठीक है, अगर 100 में 20% बढ़ रहा है तो 120% ही तो आ गया. अच्छा, अगर और ये इसको मैं पॉजिटिव अप्रोच क्यों कह रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा जब मैं एक नेगेटिव वाला एग्जाम्पल लूंगा. जैसे कि मैं ऐसा बोलूंगा कि 100 में 20% डिक्रीज हो गया ना. ठीक है, मैं क्यों बोलूं मैं 20% डिक्रीज हो गया, मैं सीधा बोलूंगा 20% डिक्रीज 100 से कंपेयर करूंगा, 20% में नीचे आ गया. मैं सीधा बोलूंगा कि मुझे 80% मिला. जब मुझे 100% नहीं मिला, उससे कम मिला, मुझे जब 80% मिला, तभी तो मैं बोलूंगा मुझे 20% का लॉस हो गया. आई हैव नॉट गॉट 100%, आई हैव गॉट 80%. 80% का मतलब है 100 से 20 नीचे आ गया मैं. तो आप दो तरीके से बात कर सकते हो, या तो आप रोते रहो कि सर मुझे 20% का लॉस हो गया, मुझे 20% का लॉस हो गया, या तो जो पॉजिटिव अप्रोच वाला आदमी होगा बोलेगा कोई बात नहीं, मुझे 80% मिल गया, 20% चला गया, लेकिन 80% तो मिला. मैं हॉस्टल में देखता हूँ स्टूडेंट्स को, कभी बिस्किट्स खाते हैं, किसी ने उसके 2 बिस्किट्स ले लिए तो रोते हैं कि सर 2 बिस्किट्स खा लिया. अरे तेरे पास 8 हैं बचे हुए, अभी तेरे पास अभी 80% माल बचा है, 20% गया, 80% बचा, उस पर फोकस कर, फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड. ओके, और यही क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं. ग्लास है आधा पानी से भरा हुआ है, तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि आधा ग्लास खाली है, इट इज अ नेगेटिव अप्रोच. कुछ बच्चे बोलते हैं आधा ग्लास भरा हुआ है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज. तो हम क्या करेंगे, हमें 20% डिक्रीज बोलूं, चाहे मैं 20% लॉस बोलूं, ठीक है, चाहे मैं 20% लेस बोलूं, इन सब का एक ही मतलब है, कितना, 80%. इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. सपोज मेरे पास 500 रुपीज है, अगर मैं बोलूं कि इस 500 रुपीज में से आपको 20% कम करना है, इसमें से आप 20% कम करना है, तो आप पहले क्या करते थे, आपको क्या करना है, इसको 20% डिक्रीज करना है इसको. तो आप लोग क्या करते थे, पहले आप बोलोगे ठीक है सर, पहले मैं इसका 20% निकालता हूं. आप करते थे 20% ऑफ 500. ठीक है, आपने 20% निकाला 500 का, आपने ऐसे कैलकुलेट किया 20/100 × 500. ठीक है, कितना आया, 100 रुपीज आ गया. ओके, और जैसे ही 100 रुपीज आया, फिर आपने इसको डिक्रीज करेंगे, तो आप 500 - 100 करेंगे एंड यू विल गेट 400 रुपीज आंसर. नहीं, ये तो आप लोग करते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसा मत करो. आपको 500 रुपीज दिए हैं, आपको 20% डिक्रीज करना है. 20% डिक्रीज का मतलब क्या है कि आपको कितना मिला, 80% मिला. गो फॉर द पॉजिटिव अप्रोच. और यही पॉजिटिव अप्रोच फ्रैक्शन में भी लगती है, ये फ्रैक्शन, क्योंकि परसेंटेज और फ्रैक्शन एक ही बात है, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा. अगर आपको 20% डिक्रीज हो गया, तो उसका मतलब आपको 80% मिला. अगर आप डायरेक्टली 500 का 80% निकाल लें, 80/100, 20 से 20 कैंसिल, तो डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर 400. ना प्लस करने का लफड़ा, ना माइनस करने का लफड़ा, डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर, डायरेक्टली इन अ सिंगल लाइन. और ऐसा नहीं कि इसमें आपके मार्क्स कटेंगे, कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता, बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव अप्रोच, ये सब यूज करते हैं. ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 30% मोर निकालना है किसी का, 30% मोर का मतलब है आप सीधा उसका 130% निकाल लीजिए. जैसे कि अगर मुझे यहां पर 500 का, अगर मुझे 20% मोर निकालना होता, 500 का मुझे 20% मोर निकालना होता, तो मैं डायरेक्टली 20% मोर का मतलब है इसका डायरेक्टली 120% निकालता, और 120% निकालता तो मेरा कितना आ जाता, 600. अदरवाइज आप 20% निकालते, 100 आता, फिर आप 500 में 100 ऐड करते, तो 600 आता. ओके, तो ये हमेशा याद रखना. और सेम गोज फॉर फ्रैक्शंस ऑल्सो, फ्रैक्शन में भी यही अप्रोच काम आती है. सपोज अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मेरे पास सपोज 2 रुपीज है, ओके, और 2 रुपीज में से मैंने 3/4 अगर मैंने डिक्रीज कर लिया, या 3/4 मैंने अगर स्पेंड कर लिए कहीं,
तो बचे कितने, 3/4 अगर मैंने स्पेंड कर लिए, तो बेटा देखिए टोटल जैसे 100% से आप कंपेयर कर रहे थे फ्रैक्शन में, उसी को हम 1 बोलते हैं, ठीक है। 1 का इक्विवेलेंट होता है 100%, 1 है फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसी का परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन इज 100। तो जैसे हम वहां 100 से कंपेयर कर रहे थे, यहां आप 1 से कंपेयर करोगे। अगर आपने 3/4 पार्ट दे दिया किसी को, तो बचा कितना, 1 - 3/4 कितना बचेगा, 1/4। तो डायरेक्टली दिमाग में आपका कैलकुलेशन से 1/4 आ जाना चाहिए। इसका मतलब अगर 2 में आपने 3/4 खर्च कर लिया, तो बचा कितना, सीधा 2 का 1/4 निकाल लो, एंड इट्स गोइंग टू बी हाफ, इट्स गोइंग टू बी हाफ डायरेक्टली। अदरवाइज आप क्या करते, पहले 2 का 3/4 निकालते, 2 × 3/4 2 2 जा, तो ये आता 3/2, फिर आप 2 - 3/2 करते तो ये आता फिर आपका 1/2। तो डायरेक्टली हमने क्या करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके ये आपको, इसी को कहते हैं पॉजिटिव अप्रोच ऑफ फ्रैक्शन एज वेल एज परसेंटेज, ओके। तो लाइफ में हम यही रखेंगे, लाइफ में हम इतना याद रखेंगे कि अगर मैं आपसे चिल्ला चिल्ला के कहूंगा कि 20% मोर का मतलब क्या है, तो आपका क्या कहोगे, 120% सर मोर बोला है मैंने, इसी को मैं 20% प्रॉफिट भी बोल सकता हूं, इसी को मैं 20% इंक्रीमेंट भी बोल सकता हूं, इसी को मैं 20% एफिशिएंट भी बोल सकता हूं, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, सभी का मतलब कितना है, 120%। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20% लेस, वेरी गुड, या 20% लॉस, या 20% डिक्रीमेंट, या 20% डिक्रीज, या इनएफिशिएंट, सभी का मतलब है कितना, 80%। तो याद रखना कि हम डायरेक्टली 80% निकाल लें, इसका मतलब हमने उसको उसमें 20% लेस कर लिया है, ओके। सो दिस वाज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको आना चाहिए परसेंटेज में, ठीक है। इफ दिस मच इज क्लियर, अगर ये अब आपका क्लियर हो चुका है, तो नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परसेंटेज। मेरे हिसाब से मैंने परसेंटेज के आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चंस नाउ, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं ताकि उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक बार यहां ध्यान दीजिएगा, अब आपसे क्या कहा जा रहा है, इफ ए अर्न्स 15% मोर देन बी, देन हाउ मेनी परसेंट लेस डज बी अर्न देन ए, ओके। तो बच्चे लैंग्वेज देखकर वैसे ही घबरा जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, आपसे कह रहा है कि ए 15% मोर कमाता है बी से, तो ए की वैल्यू बी पे डिपेंड कर रही है। तो आप बी कुछ भी ले लीजिए, और सबसे बेटर क्या होगा, बी को क्या लेना बेटर होगा, 100। अगर बी 100, तो ए की वैल्यू क्या है, इससे 15% मोर है, तो 100 का 115% निकाल लो, 100 से 100 कैंसिल, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 115, ओके। तो जब बी 100 है तो ए कितना आ गया, 115 आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी परसेंट लेस डज बी अर्न देन ए, मतलब वो कह रहा है कि बी ए से कितना छोटा है, मतलब 115 से 100 कितना छोटा है, तो 105 से ए, मतलब 105 इज द ओरिजिनल वैल्यू, और से 100 कितना छोटा है, तो अगेन व्हाट यू हैव टू फाइंड द डिक्रीजिंग परसेंटेज। बच्चे बहुत अटकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, ओके। सो डिक्रीजिंग परसेंटेज का मतलब है डिक्रीज्ड वैल्यू, वैल्यू कितनी डिक्रीज हो रही है, 15 अपॉन ओरिजिनल, मतलब लार्जर वैल्यू, लार्जर इज 115 इनटू 100, और आगे परसेंटेज का साइन लग जाएगा, दिस इज 5 3 जा, दिस इज 5 2 जा 23, सो इट्स गोइंग टू बी 300/23%, ओके। आप चाहे तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, कितना आ रहा है मिक्स फ्रैक्शन में, 13/1/23%, प्लीज इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ओके। सो इतना इजी ये सवाल है इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, यहां पर हमने डिक्रीजिंग परसेंटेज निकाला है, ठीक है। अदरवाइज बच्चों को करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वी आर यूजिंग व्हाट दैट पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज ऑल्सो, एंड दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, उसी तरीके का सवाल है ये, लेकिन यहां पर मोर आपसे पूछा गया, इफ ए अर्न्स 10% लेस देन बी, तो फिर से देखो, फिर से मैं बी की वैल्यू क्या मान लेता हूं, 100, तो ए कितना जाएगा डायरेक्टली, 10% लेस का मतलब है 90% निकालोगे 100 का, तो 90 आ जाएगा सीधा, सीधा मैंने 90 लिख दिया, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन बी कितना। अब वो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी परसेंट डज बी अर्न देन ए, बी ए से कितना ज्यादा है, तो बी 90, मतलब 190 से कितना ज्यादा है, वो आपसे पूछ रहा है।
तो ये इंक्रीजिंग परसेंटेज पूछ रहा है, देखो ना मोर पूछ रहा है, कितना ज्यादा है, ज्यादा है तो इंक्रीजिंग परसेंटेज निकालोगे, कितना कम है तो डिक्रीजिंग परसेंटेज। इंक्रीजिंग परसेंटेज इक्वल टू इंक्रीज्ड वैल्यू, वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है 10 अपॉन स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू इज 90 इंटू 100, सो इट्स गोइंग टू बी 0 से 0 कैंसिल, 100/9%, तो इट्स 11/9%। ओके, इसका मतलब द वैल्यू ऑफ बी इज 11/9% मोर देन ए। ओके, अभी क्वेश्चंस कितने इजी आपके लिए हो रहे हैं, अदरवाइज बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। ओके, और हमेशा याद रखना कि परसेंटेज में ज्यादातर हम लोग वैल्यू जब हम कुछ पुट करते हैं तो 100 लेते हैं, क्योंकि 100 में हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, क्योंकि मैंने कहा है कि 100 के केस में आप मुंह फाड़ सकते हैं, क्योंकि 100 में 100 का आप जितना परसेंटेज निकालोगे उतनी ही उसकी वैल्यू आती है। ओके, सो दैट्स वाई 100 लिया तो उसका जो 10% कम का मतलब है 90%, तो मैं यहाँ पर ए की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकता हूँ, 100 × 10% लेस का मतलब ही है कि 90% है, ऐसे करके मैं आपको बता सकता हूँ कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 90। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। अब ये सवाल है, इफ द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज्ड बाय 8%, ओके, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट द कंजम्पशन ऑफ टी बी डिमिनिश्ड बाय अ फैमिली सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन इट। अब ये सवाल देखकर अच्छे अच्छे बच्चे हिल जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली, और अभी भी यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं मुझे लगता है हिल गए हैं। ओके, मेजॉरिटी बच्चे हिल जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, आपने बस देखना है कि एक तो परसेंटेज का जो फंडा लगेगा वो लगेगा प्राइस में, और दूसरा जो फंडा लगेगा परसेंटेज का वो लगेगा कंजम्पशन में। कंजम्पशन का मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं कि 100 रुपीज की आपने 100 kg क्या ले ली, टी, ठीक है, 100 रुपीज की, मैं टी के बारे में बात कर रहा हूं, वाई हैव टेकन 100 100 ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अगर प्राइस 100 kg टी का 100 रुपीज है तो ये 100 रुपीज इज नथिंग बट द प्राइस, बट दिस वेट, दिस 100 kg इज योर कंजम्पशन, इतना आप कंज्यूम कर रहे हो ना, तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि यहां पर जो कैलकुलेशंस है मेरी वो कंजम्पशन के साथ भी हैं और प्राइस के साथ भी हैं, इसलिए दोनों को कुछ ना कुछ लेना जरूरी है। ओके, तो जो जो आपकी कैलकुलेशन है वो कंजम्पशन के साथ है और प्राइस के साथ है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगर हमने सपोज ये लिया है, लेट द प्राइस ऑफ 100 kg ऑफ टी इज इक्वल टू 100 रुपीज, वाई हैव टेकन 100 100 ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाए। अब वो मुझसे बोल रहा है इफ द प्राइस इज इंक्रीज बाय 8%, अगर आप प्राइस को 8% बढ़ाओगे तो जो न्यू प्राइस हो जाएगा कितना जाएगा, सीधा आप लिख सकते हो 8% का मतलब है सीधा 108 रुपीज। अब 108 रुपीज हो चुका है न्यू प्राइस पर 100 kg, दिस 100 रुपीज इज द प्राइस ऑफ नाउ 100 kg। अब वो कह रहा है हाउ मच परसेंट मस्ट द कंजम्पशन ऑफ टी बी डिमिनिश्ड, अब आप कंजम्पशन कितना कम करोगे ताकि आपका खर्चा ना बढ़े। खर्चा का मतलब है कि आपको 100 रुपए ही खर्च करने हैं, अब आपको 100 रुपए ही खर्च करने हैं तो कितना कंजम्पशन घटेगा आपका, वो कह रहा है डेफिनेटली घटेगा। क्यों, ध्यान से देखना इस चीज को, क्योंकि अब जो नया सिनेरियो है वो कहता है कि भैया 108 रुपीज में आपकी अब कितने आ रही है, 100 kg टी आ रही है, प्राइस बढ़ चुका है। पहले 100 रुपीज प्राइस में आपको 100 kg टी मिल रहा था, अब प्राइस कितना बढ़ चुका है, 8% प्राइस बढ़ चुका है, तो अब 108 रुपीज में आपको 100 kg टी मिल रहा है। नाउ वट यू हैव टू फाइंड, अब नाउ यू डोंट हैव टू इंक्रीज योर एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपके पास तो 100 रुपीज ही है, तो अब आप 100 रुपीज का ही खरीदोगे। सो वट दिस इज कॉल्ड, द यूनिटरी मेथड। ओके, यूनिटरी मेथड के ऊपर भी मैं एक वीडियो जरूर लाऊंगा, स्पेशल वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए। 108 रुपीज में अगर 100 kg है तो 100 रुपीज में कितना kg होगा, डेफिनेटली लेस। अब आपको 100 kg नहीं मिल पाएगा टी, क्योंकि आपके पास 108 रुपीज नहीं है, थोड़ा कम मिलेगा। वो कितना कम होगा, अगर आप लेस की वैल्यू फाइंड करोगे तो इट्स गोइंग टू बी लेस बाय मोर इनटू इंडिविजुअल वैल्यू। प्लीज जो बच्चे नए हैं वो मेरा यूनिटरी मेथड वाला वीडियो जरूर देखना, आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, यहां पर आपको यूनिटरी मेथड वाला टॉपिक दिख जाएगा। इट कवर्स 20% ऑफ द सिलेबस, मैं हमेशा कहता हूँ आप किसी भी मैथ्स की प्रिपरेशन करें, इट कवर्स 20% ऑफ द सिलेबस, ठीक है। सो लेस बाय मोर इनटू इंडिविजुअल वैल्यू, वो वीडियो जरूर देखना। ओके, अच्छा, दोनों में लेस क्या है 100, मोर क्या है 108 इनटू 100 kg। ओके, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे कितना जाएगा, इट्स गोइंग टू बी 50, और करोगे इट्स गोइंग टू बी
27, इट्स अगेन गोइंग टू बी 50 या 25, एक ही बात है. तो व्हाट यू आर गेटिंग अल्टीमेटली, आपको मिल रहा है 2500 अपॉन 27 केजी. और ये जो है ना, इट इज लेस देन 100 केजी, इट इज लेस देन 100 केजी. ओके, ये वैल्यू लेस देन 100 केजी. अब आपको यही बताना है कि आपका कंजम्पशन कितना कम हुआ. नाउ जस्ट फोकस ऑन कंजम्पशन. अब आपका पहला कंजम्पशन कितना था, व्हाट वाज योर कंजम्पशन अर्लियर, इट वाज 100 केजी. जस्ट फोकस ऑन कंजम्पशन नाउ. आपका जो पहला कंजम्पशन था वो कितना था, 100 केजी था, क्योंकि 100 रुपीज में 100 केजी टी मिलता था. अब आपका कंजम्पशन कितना हो गया रिड्यूस होने के बाद, 2500 अपॉन 27 केजी. किसी को ये ज्यादा तो नहीं लग रहा बेटा, इसकी वैल्यू 100 से कम आएगी. इसको डिवाइड करके, व्हेन यू विल डिवाइड करोगे ना, तो इसकी वैल्यू आएगी 990 में कुछ आएगी, मतलब लेस देन 100 आएगी. ओके, क्योंकि 27 टेंजा करोगे आप या 27 वनजा करोगे तो नहीं होगा, तो 9जा करोगे देन यू विल गेट द आंसर. ओके, अच्छा अब आपको क्या निकालना है कि कंजम्पशन कितना कम हो रहा है. तो अगेन व्हाट यू हैव टू फाइंड द डिक्रीजिंग परसेंटेज. डोंट थिंक कि कैलकुलेशन बहुत टफ है, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं. डिक्रीजिंग परसेंटेज इक्वल टू डिक्रीज्ड वैल्यू. अब यहां पर डिक्रीज्ड वैल्यू आप कैसे निकालोगे, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू आप क्या करोगे, माइनस करोगे. यह आ गया डिक्रीज्ड वैल्यू अपॉन डिक्रीज्ड वैल्यू में नीचे क्या लिखते हैं, लार्जर वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू. माय ओरिजिनल वैल्यू वाज 100 केजी, तो अपॉन 100 इनटू 100 इतना परसेंटेज आ जाएगा आंसर. इसका मतलब जो ये सॉल्व होगा उतना ही आंसर होगा. इट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 2700 माइनस 2500 अपॉन 27, क्योंकि 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, इतना परसेंटेज आंसर आ गया. तो कितना आ गया, 200 अपॉन 27%. इतना कंजम्पशन आपका कम हो गया. और इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में निकालो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 711 अपॉन 27%. इतना परसेंटेज आपका कंजम्पशन कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है. पहले आप 100 केजी टी ले पा रहे थे, क्योंकि प्राइस बढ़ने की वजह से अब आप 2500 बाई 27 केजी ले आ रहे हैं. इट इज कमिंग इन फ्रैक्शन, लेकिन कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में आंसर भी आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके फंडास क्लियर हैं तो. ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स विच इज कॉल्ड परसेंटेज. क्यों मैंने थंबनेल में स्पेशली आप लोगों के लिए लिखा था, वाई आई हैव रिटन दिस, कि ये सारी समस्या का समाधान है, क्योंकि कहीं ना कहीं परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जो होता है वो हर किसी चैप्टर में यूज होता है. और जो हमने आज क्वेश्चंस करे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि उनका लेवल कोई आसान नहीं है, लेकिन अगर आपको परसेंटेज का फंडा अच्छे से आता है तो ये सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे. ओके, तो आप जरूर हमसे जुड़ी रहिए, इसी तरीके के वीडियोस मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा, जहां पर मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊंगा मैथ्स में. और मेरा पूरा योगदान रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा कि मैं आपकी मैथ्स को ईजी करूँ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू सून, ऑल द बेस्ट, जय हिंद.